नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल शर्मा एक बार फिर से आप सबके सामने लाई हूँ आयुर्वेदा से ओव्यूलेशन को जड़ से रिजॉल्व करने के लिए कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों, ओव्यूलेशन एक ऐसी समस्या जिसमें से 10 में से लगभग 8 महिलाएं आज के समय में जूझ रही हैं। ये ओव्यूलेशन इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि ओव्यूलेशन का मतलब है आपके अंडाशय से जो अंडा हर महीने बनता है उस अंडे से स्त्री बीज का निकलना, और वो स्त्री बीज जब पुरुष के शुक्राणु से मिलेगा तभी गर्भाशय धारण होता है। इसलिए ओव्यूलेशन के बिना प्रेगनेंसी असंभव है। पर ये ओव्यूलेशन अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करें? आज ऐसे ही कुछ नुस्खे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको आपके घर के किचन में ही मिलता है। हमारे किचन में सालों से यूज होने वाले 3 हर्ब्स, वो 3 हर्ब्स ही ओव्यूलेशन को वापस से स्टिमुलेट करने के लिए काफी हैं। वो हैं सौंठ, काली मिर्च और पिपली। ये सौंठ, काली मिर्च और पिपली तीनों को आप समभाग में यानी बराबर मात्रा में पीस लीजिए। इसका पाउडर का 1/4 भाग सुबह और शाम को आप शहद के साथ लीजिए। खाली पेट लेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा खाने से 15 मिनट पहले भी आप ले सकते हैं। दूसरा, कैस्टर ऑयल। घर घर में पाया जाता है ये कैस्टर ऑयल। ऑलमोस्ट हर इनफर्टिलिटी कपल या हर वो कपल जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा है लोअर एब्डोमेन पे इसकी मसाज करता है। पर कभी आपने सोचा है कि अगर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल आप गर्म दूध के साथ रात को सोने के समय लेते हैं तो ये आपकी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है? जी हाँ, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल गर्म दूध में रात को सोने के समय लीजिए। इसे अपने मासिक धर्म शुरू होने के पहले दिन से 15वें दिन तक लीजिए। तीसरा, लहसुन। अब आप कहेंगे लहसुन तो ज्यादातर घरों में सब्जी में डलता ही है, फिर ओव्यूलेशन की समस्या क्यों? कोई भी हर्ब खाने का और उसका औषधीय रिजल्ट पाने के लिए उसको सही तरीके से लेना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए लहसुन को आप हल्का सा क्रश कर लीजिए। दोस्तों, चाकू से नहीं काटना है, सिर्फ उसको हल्का सा क्रश करना है। कूट कर उसे सुबह खाली पेट 2 कलियां लीजिए और ऐसे ही शाम को सोने के समय पर लीजिए। यदि ये 3 उपाय आप नियमित तौर पर 3 माह के लिए करेंगे तो आपकी ओव्यूलेशन की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ, आयुर्वेद को अपनाएं, बिकॉज आयुर्वेदा इज फर्स्ट एंड आयुर्वेदा इज फॉर ऑल। धन्यवाद।